अब सरकार ने मल्टीपल टाइम जाट समाज को यह आश्वासन दे लिया सार्वजनिक तौर पे, 2016 में आंदोलन हुआ जून में, तब सार्वजनिक आश्वासन दिया वे सारे मुकदमे उल्टे ले लेंगे। उसके बाद दोबारा मेरे भाई 2017 में आंदोलन होया फरवरी में, उसमें फरवरी मार्च में के वे सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। उसके बाद भी कई बार सार्वजनिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के बड़े बड़े तथाकथित जो बीजेपी में जाट नेता, ये कह लिया इनने सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। भाई 7 साल बाद मैम के मारे भाई मनोज नंबरदार, जो बड़े सामाजिक आदमी है, समाज की लड़ाई लड़ी है, उनको कुछ दिन पहले लगभग ये मानो महीने के आसपास पहले उसी टाइम के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया, 7 साल पुराने मुकदमे में। और जिस मुकदमे में जो एक आद पकड़ रखा था पहले साथी, वो बरी भी हो लिया था, मुकदमा भी खत्म हो लिया था। अब 7 साल बाद दोबारा मनोज नंबरदार को गिरफ्तार कर लिया महीने पहले। मैंने कहा मैंने भाई गलत हो रहा है, बोले भाई कोई नहीं भुगत लेंगे, एक मुकदमा है बिलाकी में, नहीं जमानत हो जाएगी, कोर्ट भी सारी चीजें देखे, पहले बरी हो रहा है। आज मेरे भाई एक महीने बाद दोबारा से, मतलब क्या अगर ना बेशर्मी की हद पार करते हुए, अत्याचार की हद पार करते हुए, मतलब पहले जो मैंने वो देखा ना, एक झटका लगता आदमी को, 18 मुकदमे एकदम चेप दिए। एक मुकदमे में पकड़ा था, अगला अपनी बेल की तैयारी कर रहा था, सीधे 18 मुकदमे एकदम चेप दिए। के तो कवे मेरे भाई, के ना कवे, जो मेरे बीजेपी तक जुड़ रहे हैं भाई, बार बार कया करें, पूछा करें, भाई बताओ भाई, इतना सरेआम अंधेर कर दी, सरेआम अत्याचार देखा है कितने, एक के बालक होगा, एक के दिन के 19 मुकदमे बांध रखे हैं, एक आदमी 19 जगह हेलीकॉप्टर ले रहा था, आड़े भी आगजनी कर दी, उड़े भी तोड़ फोड़ कर दी, उड़े भी तूफान रच दिया। पहले तो यह कोरी झूठ पे एक आदमी 19 मुकदमे में संलिप्त नहीं हो सकता, 19 जगह पे वारदात कर ही नहीं सकता। उसके बाद आपने कम से कम 10 बार तो जरूर होगी सार्वजनिक स्टेटमेंट हरियाणा के मुख्यमंत्री की, गृह मंत्री की, चौधरी वीरेंद्र सिंह की, इवन केंद्रीय गृह मंत्री तक की भी स्टेटमेंट होगी, जाट आरक्षण में जो मुकदमे लगे थे सारे हमने बिला वापस ले लिए, या हम वापस ले लेंगे, 5-6 साल पहले तो क्या करते वापस ले लेंगे, 2-3 साल पहले आई थी वापस ले लिए, सारे बरी हो लिए। उसके बाद मेरे भाई यो कौन सा है कि भाई क्या करने बिला हम तो छोड़ा है को नहीं, यो कौन से बदले तारा खट्टर साहब, मेरे तो समझ में नहीं आ रही भाई, बस जाटा तो कोई पाप हो रहा हो, मतलब तेरे तो वोट ना दिए हो, या मतलब जाटा तो कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई तो बात है, या भीतर में आदमी जहर पड़ रहा हो, अगर जिस टाइम पर हरियाणा में सरकार ना दी उस टाइम पर जाटा ने कि मैं अच्छी माड़ी कर रखी हो, इतना मतलब सामान्य परिस्थिति में कोई भी मुख्यमंत्री इतना असंवेदनशील और इस तरह का निर्मम नहीं हो सकता कि ठाउर इन जेल में 19 मुकदमे यार कितनी लग है, हमने खुद के देख रखे हैं, कोर्ट तो लड़के 18-20 मुकदमे में बरी हुए, महाराज जी जाना हमने, मतलब न्यू मान ले कोई शब्द कोई विशेषण नहीं है, इतनी तकलीफ इतना घर लक्का सबके में लाग ले। अरे ये एक बार में ठा के चेप दिए के फर्क पड़ा है बिला, पुलिस वाले कह रहे मारे दो तो ऊपर का आदेश आया है भाई, ये ऊपर का आदेश के चक्कर में जिंदगी खराब करोगे के बड़कों की, या कि मैं चाहो हरियाणा में अब दोबारा तो ये जाट भड़कर जाट क्रांति कर फिर दोबारा कि मैं डुब डुबी बात जाट गैर जाट की। मेरे भाई पुलिस वाले भाइयों तभी मैं कहना चाह रहा हूं, उन बातों का समाज बहुत आगे जा लिया, ये जो भड़कना है ना इन बातों में है, 150 एलिमेंट जाटा में भी और भी गैर जाटा में भी उत्साह है कि मैं मामला भड़का, लेकिन यो तो मेरे भाई सीधा सरकार का और एक आम किसान का बेटा अत्याचार का मामला है। 17 साल पुराने मुकदमे में जो रद्दी खाते हो लिए उनमें किसी को गिरफ्तार करना, अगर हम तो तेरी जमानते को नहीं होने दें, और मान ले तू लकड़ की करेगा तेरी जो पैर भी कर रहे उन्हें भीतर जेल में डालेंगे। तो भाई सरकार के जो आदमी सुन रहे हैं वह भी सुन लो कि या जो अंधेर करती है ना या अत्याचार है, ये तो बड़े बड़े का चंगेज खान वर्गिया का ना चल रहा, ये तो तैमूर लंग वर्गिया का किसी औरंगजेब वर्गिया का ना चल रहा, यो चल रहा कितना लंबा था, 9 साल हो लिए, साल भर में जूता झाड़ के चल दे करेंगे फिर कट जाओगे भाई, इन्हें लोगों में रहना है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का तो गांव भी निंदाना है, खट्टर साहब हमारे बडेरे हो, बड़े मान सम्मान था आपने कह रहे हैं, कम तक हम खुद के इलाके की तो शर्म कर लेंगे, ओड़े इलाके का एक बालक ठह गए, सामाजिक बालक, समाज की हर बुराई अच्छाई में गडनिया, उसके बाद भी न्यू नहीं सोच रहे लोग के कहेंगे भाई संवेदना भीतर तक मर गई गए, जमान न्यू भीतर ला खत्म हो लिया गए, अगर नाश हो जाओ तो हमने तो भाई अपना जो जहर है वो काटना है, अगर जहर इतना हो रहा है ना मैं बीजेपी वाले जो बड़ा को नेता नुता सुनता फांसी तोड़ दो जाटा सारे ने कट्ठे, वह धरती पर देखे कि नाराजी हो और कोई समाधान नहीं है, कट्ठे बुला के जिसे जो जो रड़के हैं ना फांसी तोड़ दो पेंडा छूट देगा, यो तमाशा के है भाई मौका लावर इलाज करे कि मैंने कि मैं कोई ना कोई गलत उनको ऊपर एक्शन करे, या जो बात करी है एक महीने पहले भी मैंने हमारे भाई हैं जो बाहर रह के पैरवी कर रहे थे हमारे भाई की मनोज की, हमारा संघर्ष का भी साथी था, खुद भी लड़ाई लड़ रहा था, मां भाई पैरवी करो मजबूती तक कि मैंने कि मैं बोला भाई पैरवी कौन करे, जो इसका ठेका ले रहे थे जिनने जो सारा
सौदा छेड़ा था, क्रांति क्रांति करके जाटा ने बिला बेजती हो रही है, बदले तारांगे, वह तो अपने लुगे घर बैठ गए भाई, वह तो अपना मैं उछी बात नहीं करूंगा, चंदे पंदे वाली बात बड़ी कमजोर बात हुए हैं, लेकिन एक मामले की जिम्मेदारी लेके एक लड़ाई ने छेड़ के और फिर खुद घर बैठ जाना और जो हजारों बड़कन तकलीफ उठाई उसका कोई भी समाधान ना करना, या उन नेताओं खातर भी गलत बात है। सरकार तो यह है वह दुश्मन, लेकिन जो नेता बन रहे थे उनकी भी इज्जत ज्यादा वाकई होगी। 20 बार उन्होंने न्यू कह लिया, हमने उल्टे करा दिए। 2016 का जून में आंदोलन चालिया मुकदमे वापसी का, ताली बजा के ठा दियो, ओहो बिला जाटो मुकदमे तो कम तक उल्टे हो गए, छोरे जेल तो बाहर है, कुछ ना पुंजड़ पाटा। दोबारा फिर बैठे जनवरी फरवरी 2017 में, फिर दोबारा बिला दिल्ली कूच की टाल कर दो, बिला मुकदमे उल्टे हो गए मुकदमे। अरे कितनी बार लाडू खुआ लिए, कितनी बार लोग बका लिए, तो हमने नेता लोगो तारा तारा भी जमा भीतर लाख पैसे तो आता था हमें, सरकार गलत खुदे खुद आजा आजा कर लो, सरकार गलत हमें लड़ लो, कम तक कम मारो जाके सीधा खट्टर का छाती में टक्कर, अगर कई बार मारा फद्दू बनवा लिया समाज का आगे। भाई पुलिस के तो हाथ बंधे उड़े हुए हैं राजेंद्र माल जी, लेकिन पुलिस भी कड़े तो स्टैंड ले, कदे तो जमीर जाग है, अगर ये कागज मैं कौन काला करूं, हमने भी भुगत रखे भाई, हमने भी देखोड़ा है, पुलिस पर प्रेशर हो है, मारता ज्यादा देखा किसने है, लेकिन मारे मेरी देखत में भी ऐसे पुलिस वाले थे, एक बार मारे पे 307 लाने लगे फर्जी जमाए प्योर, पुलिस वाला जो SHO इंस्पेक्टर था उसने मना कर दिया, मैं कुल ला सकता जी लो या कलम रही किसी मोर में हो तो ला लो भाई, नाइट के भाई साहब एक मिनट में पसीने आ गए सारे सोधक, एक रात खातर छुट्टी पे भेजना पड़ा, दूसरे को चार्ज देना पड़ा, जो मर पे 307 का पर्चा कटा, उसने पंजे ला लिए, तो बाकी उसमें महकमे में और भी तो इसे बतेरे समझदार जमीर वाले भाई होंगे, एक भाई लिख के दे दो नहीं सरकार ने, भाई यो भाई अपना मर पे को नहीं होंगे, अरे एक जाति विशेष को टारगेट करना। मैं फिर कह रहा हूं भाई, अगर इसका माध्यम था सरकार या सोच रही है वह जाट गैर जाट का कि मैं भड़क जाएगा, वो ना भड़कता, अगर लड़ाई कोई होगी कि मैं क्या सुनी तो सरकार गल होगी।